हेलो इन दिसकस प्रजेंट टेंस पास एंड फ्यूचर टेंस बिगिन सिंपल प्रेजेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इज रिटर्न लाइक दिस आई प्ले पबजी एवरी डे सी वॉच मूवी एवरी डे दे प्ले क्रिकेट एवरी डे सो इफ यू ऑब्जर्व ध्यान से देखिए कि इसमें वर्ब जो है प्ले वॉचेज प्ले ये सब वर्ब का पहला फॉर्म है वर्ब का तीन फॉर्म होता है एक प्ले प्लेड प्लेड गो वेंट गन तीन फॉर्म होता है गो वन डू डिड डन सी सॉ सीन सिंपल प्रजेंटेंस में हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है सो so देखिए कैसे इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है आई सी दे सब सब्जेक्ट है और है ये लगता है? एस और एस सिंगुलर के लिए लगता। आई और यू छोड़ के जैसे ही शी, इनके लिए। आई हो और यू हो तो उनके साथ हमेशा एस ओरियस नहीं लगता सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है सिंगुलर के साथ लगता है एस ओर जैसे यहाँ देखिए सी प्लेस लेकिन आई प्ले है आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ ऐसा इस नहीं लगता तो सिंपल प्रेजेंटेंस होता कब है वेन टू यूज दिस वेन टू यूज दिस टेंस मैंने हम लिखते वक्त कब बोलते वक्त कब भी उसको यूज करेंगे इसको हम लोग यूज करेंगे जब कोई हैबिट का बात हो जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो तब हम लोग सिंपल प्रेजेंटेंस यूज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंटेंस का ये एग्जाम्पल है आई प्ले आई ईट आई ड्रिंक दे गो टू प्ले ड्रीम थिंक ये सब सिंपल प्रेजेंटेंस का एग्जाम्पल है इस का फॉर्मेट क्या है कंस्ट्रक्शन कैसे होता है सब्जेक्ट होता है का फर्स्ट फॉर्म होता है एस yes और यस yes लगता है और ये एवरी डे जो है ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट लगता है यहाँ एवरी डे जो है ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ वो ऑब्जेक्ट होगा तो ये इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है तो ये यूज कब होगा जब कोई हैबिट का बात हो या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का बात हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब यूज होता है कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है कैसे इसका फॉर्मेट है समझिए देखिए ध्यान से और वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब आई एम वॉचिंग यू आर लिस्निंग दे आर प्लेइंग मतलब जो काम अभी हो रहा है जो काम अभी हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसे यू आर वॉचिंग माई वीडियो आई एम स्पीकिंग यू आर लिस्निंग इन सब में देखिए आई सी ही ये सब सब्जेक्ट है यहां से इज एम और आर इन तीन में से कोई एक होगा आई हुआ तो एम ही सी हुआ तो इज हुआ और दे हुआ तो आर और वर्क का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और आई एन जी लगेगा तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा सब्जेक्ट होगा

प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है उसका एक एग्जांपल देखिए आई हैव सीन द मूवी सी हैज ईटन द पिज्जा दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट तो इसमें देखिए इस सब एग्जांपल में सब्जेक्ट है हैज या हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट डन गन है डू डिड डन डन है सी सॉ सीन सीन है मतलब पार्ट v1 v2 v3 v3 इसमें यूज होता है तो देखिए इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होगा सब्जेक्ट होता है दे सी ही ये सब सब्जेक्ट हैज ये हैव लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ये कंप्लीटेड या ईटन या सीन ये थर्ड फॉर्म है ओके okay. और इसमें आईएनजी नहीं लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट होगा हैज लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा कोई आईएनजी नहीं लगेगा आईएनजी तो कंटिन्यूस टेंस में लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको यूज कब करना है इसको यूज करना है उस काम के लिए वो काम बताने के लिए लिखने के लिए जो अभी अभी हो गया अभी अभी हो गया वो अभी अभी मूवी देखा अभी अभी पिज्जा खाया है अभी अभी अपने काम को कंप्लीट किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होता है उस काम के लिए जो अभी-अभी खत्म हो गया इसका एग्जांपल आई हैव सीन मूवी इसका फॉर्मेट क्या है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अच्छा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है इसका एग्जांपल देखिए आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 इयर्स दे शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग दे आर बी लिविंग इन कोलकाता सिंस 2010 मतलब इसमें देखिए सब्जेक्ट हो रहा है वर्ब और लगा है, और और वर्ब लगा ठीक है तो ये काम ये ये टेंस हम लोग यूज कब करेंगे इस टेंस को हम लोग यूज तब करेंगे जब हम लोग को वो काम वो वर्क वो एक्शन बताना हो जो पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है जैसे मैं पंद्रह साल पहले से पढ़ा रहा था अभी तक पढ़ाता हूँ वो सुबह से अभी तक सो रही है, उठी नहीं वो कोलकाता में रहते तभी भी रह रहे हैं तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है काम कंप्लीट हो जाता है तब परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब पहले शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कोई हैबिट कोई यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो काम अभी चला है कब शुरू हुआ कब तक खत्म होगा ये नहीं पता सो सी so चारों प्रेजेंट टेंस है, लेकिन चारों में डिफरेंस है क्या डिफरेंस है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई हैबिट के लिए होता है Present continuous उस काम के लिए होता है जो अभी चल रहा है present perfect tense उस काम के लिए होता जो अभी खत्म हो हो गया, end हो गया, end, just now. और present perfect continuous जो काम पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है तो चारों अलग है चारों का एग्जाम्पल भी अलग है देखिए आई रीड एवरी डे सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल क्या है आई एम रीडिंग नाउ आई एम टीचिंग नाउ प्रेजेंट का क्या है आई द प्रोजेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या है आई हैव बीन डूइंग द प्रोजेक्ट मैंने पहले से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस है तो अब हम लोग पास्ट टेंस पढ़ते हैं पास्ट टेंस कब होता है सिंपल पास्ट टेंस का कैसे फॉर्मेट है कब यूज होता है देखिए इसका एग्जांपल है आई सॉ द मूवी आई रैन थ्रू द स्ट्रीट सी डांस इन द क्लास इसमें देखिए इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है सी नहीं सॉ रन नहीं रैन डांस नहीं डांस ईट नहीं एट तो ये इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट होगा देखिए दे आई वी ये सब सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है तो ये यूज कब करना ये उस काम के लिए यूज करना है जो खत्म हो गया नॉट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट जो अब ये भी कंप्लीट हुआ जो पहले कंप्लीट हुआ है जो सिंपल पास्ट कब होता है उस काम के लिए जो पहले कंप्लीट हुआ है पहले

So, इसका फॉर्मेट देखिए आप कैसे होगा कि हमेशा सब्जेक्ट होगा, प्लस वाज़ वेर होगा प्लस वर्ब होगा और प्लस आईएनजी होगा सिंपल पास्ट में कोई आईएनजी नहीं था उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म था इसमें सब्जेक्ट है वर्ज वेयर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आई है इसको यूज कब करना है इसको यूज तब करना है ये बताने के लिए कि लास्ट संडे दो से तीन में क्या कर रहा था येस्टरडे शाम को मैं क्या कर रहा था आई वाज रीडिंग ए बुक येस्टरडे आई वाज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल लास्ट मंडे तो ये तब होता है ये बताने के लिए कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा था सिंपल पास्ट में एंड हो गया था तो देखिए सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस है सिंपल पास्ट में काम कंप्लीट हो गया एंड हो गया एंड हो गया पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट में चल रहा था और पास्ट परफेक्ट तो सबसे यूनिक है जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीच द स्टेशन जैसे ही पैसेंजर पहुंचा ट्रेन जा चुका था जब लड़का लड़की को प्रपोज किया तब तक लड़की का शादी हो चुका था तो देखिए यहाँ दो काम हो रहा है एक लड़का का प्रपोज करना और लड़की का शादी होना पहले शादी हुआ फिर लड़का प्रपोज किया ट्रेन देखे ट्रेन चला गया तभी आदमी पहुंचा तो सिंपल पास में एक काम होता है इनफैक्ट यही एक ऐसा टेंस है जिसमें दो काम होना जरूरी है एक दोनों ही पास में होगा एक से पहले एक होगा फॉर एग्जाम्पल शादी पहले हुआ फिर लड़का प्रपोज किया ध्यान से सुनिए ट्रेन चले जाने के बाद ये पैसेंजर स्टेशन पहुंचा है तो दो काम है एक ट्रेन का जाना और एक पैसेंजर का पहुंचना सो so, जो काम दोनों काम में जो काम पहले हुआ है दोनों ही पास में हुआ है लेकिन जो पहले हुआ है उसके साथ ये यूज होता है द गर्ल द बॉय प्रपोज बॉय प्रपोज लेट से किया है आदमी लेट से पहुंचा ट्रेन जा चुका था तो इसमें देखिए एक सब्जेक्ट होता हैड होता है

मतलब अब वो उसको डेट नहीं करते ये करता मतलब जब भी हैड बीन लगेगा मतलब वो काम बहुत पहले शुरू हुआ था पास्ट में चल रहा था कि अब नहीं चलता इट हैज कम टू एन एंड अगर हैव बीन होता मतलब वो अभी भी रहते हैं अगर have been dating होता मतलब वो अभी भी डेट करते हैं समझने का कोशिश कीजिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज होता है ये बताने के लिए कि पास्ट में काम चल रहा था लेकिन अब वो कंप्लीट हो गया इसका है इसका फॉर्मेट देखिए अब सब्जेक्ट है फर्स्ट plus फॉर्म plus plus है प्लस आई एन जी है ठीक प्रेजेंट पर लेकिन डिफरेंस ये इसमें हैड है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूसेंस कब होता है वो बताने के लिए कि काम जो पास्ट में शुरू हुआ था पास्ट में चला लेकिन पास्ट में कम्प्लीट हो गया अब नहीं है सिंपल फ्यूचर इज वेरी इजी देखिए आई शैल ईट एन आइसक्रीम टुमारो दे विल कम टू माय हाउस ऑन नेक्स्ट संडे तो इसका फॉर्मेट सब्जेक्ट होगा शैल ये विल को यक होगा प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म होगा तो इसको यूज कब करना है ये बताने के लिए कि कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा आई विल ईट द लंच टमोरो एट फाइव ये सिंपल फ्यूचर मतलब होता है कि काम जो फ्यूचर में शुरू होगा आई विल गो टू द स्कूल आई विल ईट माई लंच दे विल कम टू माई हाउस ये सब सेल विल होगा सब्जेक्ट होगा सेल विल प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कब होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल देखिए कल फ्लाइट में हम एक बुक पढ़ते होंगे कंटिन्यू करेंगे कल दो बजे तक हम खाना खाते होंगे खाएंगे नहीं शुरू करेंगे नहीं कंटिन्यू होते रहेगा कब शुरू होगा कब खत्म होगा ये नहीं पता तो ये कब यूज होता है टू डिस्क्राइब एन कंटिन्यू इन फ्यूचर कंटिन्यू नॉट स्टार्ट एंड कंटिन्यू तो इसका एग्जाम्पल है आई विल बी रीडिंग आई विल ऐसे। देखिए सब्जेक्ट होगा इसमें सब में ही होता है प्लस

मतलब उसमें ये काम उस दिन तक उस हफ्ते तक कंप्लीट हो चुका होगा यही एक फ्यूचर में टेंस टेंस है है सिंपल फ्यूचर बताता कि काम कब शुरू होगा फ्यूचर टेंस बताता है कि फ्यूचर में काम कब तक चलेगा और फ्यूचर परफेक्ट ये बताता है कि फ्यूचर में काम एंड कब होगा इसमें भी सब्जेक्ट होगा शैल विल होगा और प्लस होगा प्लस होगा

तो so, तीनों में डिफरेंस है एक में होगा आई विल गो एक में होगा आई विल बी गोइंग और एक में होगा आई विल हैव गॉन या आई विल हैव डन आई विल हैव रिटन तीनों में फर्क है तो टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ग्रामर इफ यू डोंट नो दिस इफ सो यू यू विल बी राइटिंग ऑल रॉन्ग सेंटेंसेस इन लिटरेचर इन ग्रामर इन रिपोर्ट राइटिंग इन योर स्टोरी आंसर इन योर Tempest answer. So it's better that you once you revise, you can pause the video, write the format, and then um, if you do not understand anything, you can ask us in the comment box uh, or you can email us from the description so that we can uh, once more make a video in details about that particular um, part of that grammar, say simple present tense or present continuous tense.